एसीबी मुख्यालय से बड़ी अपडेट आपको बता दें, मूंगफली की खरीद में 2,32,00,000 रुपए का घोटाला। जांच में मिली 4 क्रय केंद्रों के वेयरहाउस में 4,565 क्विंटल मूंगफली कम। एसीबी ने 4 साल बाद एक परिवाद की जांच के बाद फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के 4 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वर्ष 2019 से 20 में फलौदी बापिनी लोहावट और बाप में समर्थन मूल्य में मूंगफली की खरीद की थी। अफसरों ने कागजों में खरीदी की जितनी मूंगफली बताई उसमें से वेयरहाउस में कम मूंगफली पाई गई। अफसरों ने 2,32,00,000 रुपए की 4,565 क्विंटल मूंगफली खरीदी और एसीबी ने जांच के बाद समिति के मुख्य व्यवस्थापक मुरली मनोहर व्यास, उप रजिस्ट्रार राकेश पुरोहित और खरीद केंद्र के क्रय प्रभारी हरि सिंह, दिलीप सिंह, मोहनलाल और देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। केंद्र प्रभारियों द्वारा अनियमितताएं करके मूंगफली खुर्द बुर्द कर दी थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब इसका पूरा सत्यापन हुआ है, खुलासा हुआ है? जी देखिए, एसीबी में वर्ष 2020 में एक शिकायत मिली थी कि जो फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसके द्वारा जो समर्थन मूल्य में मूंगफली की खरीद की गई थी उसमें भारी घोटाला हुआ। तो इस संबंध में एक एसीबी ने 2020 में परिवाद दर्ज किया था और परिवाद की पिछले 4 साल से जांच की जा रही थी। तो हाल ही में एसीबी ने जब क्रय विक्रय सहकारी समिति फलौदी से कुछ दस्तावेज और वहाँ के वेयर हाउस थे जो वहाँ से उन्होंने दस्तावेज लिए और उनकी जांच पड़ताल की, तो सामने आया कि फलौदी के और एक बापिनी लोहावट और एक बाप केंद्र है, विक्रय केंद्र जहाँ पर उन्होंने मूंगफली की खरीद की थी। तो जो इनके वेयर हाउस थे उसमें करीब 4,500 क्विंटल मूंगफली कम पाई गई जितनी कागजों में दिखाई गई थी उससे। इसमें फलौदी में करीब 2,500, बापणी में 1,650 और लोहावट में करीब 250 क्विंटल मूंगफली थी जिसकी कीमत थी फलौदी में करीब 1.5 करोड़ रुपए, बापणी में 84 करोड़ रुपए और लोहावट में 10,00,000 रुपए। तो वेयर हाउस में जो कमी पाई गई उसके आधार पर करीब 2.32 करोड़ रुपए की मूंगफली थी जिसकी कीमत थी। तो यह रिकॉर्ड में नहीं थी और पुलिस ने एसीबी ने जब जांच की तो 2019-20 में समर्थन मूल्य की मूंगफली खरीद की तो केंद्र प्रभारी थे तो उनके द्वारा अनियमितताएं करके माल को खुर्द-बुर्द कर दिया गया था। तो इस संबंध में हाल ही में एसीबी ने जो उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति है जोधपुर राकेश पुरोहित, इसके अलावा जो खरीद केंद्र के क्रय प्रभारी होते हैं हरि सिंह, दिलीप सिंह, मोहनलाल और देवी सिंह समेत जो समिति के मुख्य व्यवस्थापक थे मनोज लाल व्यास, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और अब एसीबी ने जांच की के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को नोटिस देगी और पूछताछ के लिए भी बुलाएगी, इसके बाद में एसीबी उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। इससे पहले जो रजिस्ट्रार सहकारी समिति जोधपुर द्वारा एक विभागीय जांच कराई गई थी तो इसमें आरोपियों द्वारा गबन करने की पुष्टि हो चुकी थी तो इनसे रिक्वरी भी की गई थी लेकिन कुछ हद तक ही रिक्वरी कर पाई समिति द्वारा। और उसके बाद में जब आरोपियों ने रिक्वरी की राशि नहीं चुकाई तो उन्होंने एसीबी में भी कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओम प्रकाश आपका। तो मूंगफली की खरीद में 2,32,00,000 रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है।